दोस्तों आईपीएल साल 2020 का सीजन अब फाइनली शुरू हो चुका है जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई के अंदर खेला जाएगा और सभी फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर को मैदान पर उतरता खेलता देखने के लिए। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, किस टीम को आप कर रहे हैं सपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों सभी आईपीएल टीमों की तरफ से और अगले आईपीएल मैच के होने से पहले बहुत ही बढ़िया खबरें यहाँ निकल के आ रही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिन भर की बड़ी बड़ी खबरों के बारे में। तो क्या है ये बड़ी खबरें, किन टीम को होने वाला है बहुत ही बड़ा फ़ायदा, किन टीम को होने वाला है नुकसान, आज की वीडियो में मैं आपको ए टू जेड इसी टॉपिक से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का टाइटल तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों आईपीएल साल 2020 का सीजन शुरू हो गया है और लगातार सभी टीमों की तरफ से बड़ी बड़ी न्यूज़ बड़ी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन कौन सी टीमों की तरफ से बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आती है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान इन टीमों को होने वाला है। पहली न्यूज़ निकल के आती है आज के मैच को लेकर जो कि KKR वर्सेस SRH होने वाला है। मैच नंबर 8 आबू धाबी के मैदान से 7:30 PM आपको लाइव होता हुआ दिखेगा ये मैच, जहां दोस्तों दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है और एक टीम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 7 पे है और एक टीम पॉइंट्स नंबर टेबल पर 8 पे है। वहीं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद RCB के अगेंस्ट हारी थी, टाइट दोनों के अंदर काफ़ी मुकाबला था पर SRH ने काफ़ी गलती की और मुकाबला हार गई। वहीं दोस्तों KKR MI के सामने हारी थी पर यहाँ दोस्तों मुंबई इंडियंस ने सिंगल हैंडेडली मुकाबला जीत लिया। तो आज देखना काफ़ी ही मज़ेदार होगा कि दोनों ही टीम में से कौन सी टीम आज का मैच जीतती है। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि SRH या फिर KKR में से कौन सी टीम आज का मैच जीतने वाली है। दूसरी न्यूज़ निकल के आती है अली खान को लेकर। दरअसल इस साल KKR ने हैरी गर्नी की रिप्लेसमेंट के तौर पर ट्रिबैगो नाइट राइडर्स के खिलाड़ी अली खान को अपनी टीम में शामिल किया और दोस्तों पहले प्रैक्टिस मैच के अंदर अली खान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, इसके बाद वो चोटिल हो गए थे और इसके बाद किसी भी नेट सेशन के अंदर वो दिखाई नहीं दिए। पर अब दोस्तों KKR फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि अली खान अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और दोस्तों यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कमबैक करने में। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या फिर नहीं। तीसरी न्यूज़ यहाँ निकल के आती है आईपीएल के स्टैट्स को लेकर, जहाँ दोस्तों कल दिल्ली कैपिटल्स मैच जीत चुकी थी चेन्नई के अगेंस्ट और दोस्तों आ चुकी है पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है नंबर आखिरी पर यानी 8 पर। ऑरेंज कैप है फाफ डुप्लेसी के पास और पर्पल कैप है सैम करन के पास, जो इनके पास 5 विकेट हैं। दोस्तों दोनों ही कैप यहाँ पर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पास, इसके बावजूद भी चेन्नई की टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। चौथी न्यूज़ यहाँ निकल के आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए, जहाँ दोस्तों आईपीएल 2020 का पहला मैच तो काफ़ी अच्छा रहा पर जो पहले हफ्ते के अंदर बचे हुए 2 मैच थे वो काफ़ी ज़्यादा बुरे रहे। जहाँ पर दोस्तों अब आपको बता दें कि अब आने वाले एक हफ्ते में चेन्नई का कोई भी मैच नहीं है, पूरे एक हफ्ते चेन्नई रेस्ट करेगी तो यहाँ पर नई स्ट्रैटेजी बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी चेन्नई के फैंस के लिए ये है कि ड्वेन ब्रावो और अंबाती रायडू इस एक हफ्ते में रिकवर कर जाएंगे और प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे, जहाँ पर दोस्तों मुरली विजय इस टीम से बाहर होने वाले हैं अपने फॉर्म को लेकर और उनको रिप्लेस करेंगे अंबाती राइडू। खैर यहां पर ओपन तो शेन वॉटसन करेंगे, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं शेन वॉटसन के साथ आप ओपन करता हुआ फाफ डुप्लेसी को देखना चाहते हो या फिर अंबाती राइडू को। पांचवी न्यूज़ यहाँ निकल के आती है KKR और SRH के मैच को लेकर, जहां दोस्तों KKR की प्लेइंग 11 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है और इसको लेकर SRH की टीम ने एक बहुत बड़ा बयान मैच से तुरंत पहले दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हमारा मेन टारगेट मेन मोटिव रहेगा KKR के मिडिल ऑर्डर को जल्दी आउट करना, जिसमें आते हैं आंद्रे रसल और आयन मॉर्गन। उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर ये दोनों ही खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं तो हमारी टीम के लिए काफ़ी बड़ा फायदा होगा, पर एक बार ये दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला चल पड़ा तो किसी भी टीम को ये दोस्तों एक ही झटके के अंदर ध्वस्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी दिन भर की टॉप खबरें, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।